good morning class this is our second lecture of chapter 1st. we already uh, talked about how medieval period divided into two parts earlier and later and we talk about some books and literature uh, where you find the uh, evidence so uh, let us get started uh, next point the political condition of uh, in india during a earlier medieval period in earlier medieval period the northern india is divided into number of kingdoms these kingdoms were conflicted with each other and expansions kingdom. Therefore, many kingdoms in south too. Uh, main kingdom jo south methabita chol, they chol. chol. Chol Chol sorry. Chol was the uh, most powerful kingdom uh, in Koromandal and Madras. 9th uh, century Chol kings made uh, Tanjore and capital determined by Pandya rules. Chol's ruler divided into different different uh, efficient administration. एंड कंसल्टेटेड द इकोनॉमी एंड गैब पेट्रोन टू लिटरेचर आर्ट एंड आर्टेक्ट आप उस समय देखें अगर साउथ में आपने आप कभी मूवी वगैरह देखें साउथ की मूवी तो उस समय बेटा लंबे लंबे मंदिर देखने को मिलते हैं लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे मंदिर देखने को मिलते हैं ठीक है ना उसको बोलते हैं बेटा द्रिविड़ द्रिविड़ बोलते हैं उसको द्रिविड़ द्रविड आर्किटेक्ट बोलते हैं ठीक है बेटा ये जो किसकी ये जो सब किसके द्वारा बनाया गया बेटा ये सब चोल्स पांडे इन सब के द्वारा बनाया गया ठीक है बेटा दे हैड अ वेरी पावरफुल नेवल फीट इन वन जीरो टू फाइव एटी द मोस्ट चोल द मोस्ट पावरफुल चोल इज नोन एज राजेंद्र फर्स्ट राजेंद्र फर्स्ट कंकायर मला मलाया सुमात्रा सुमात्रा आइलैंड द चोल किंगडम हैड ट्रेड रिलेशनशिप विथ ऑल्सो चाइना एंड कंट्री ऑफ साउथ एशिया बेटा इन लोगों के जो रिलेशन थे बेटा चाइना और साउथ एशिया की कंट्रियों तक थे बेटा कहाँ तक थे बेटा साउथ एशिया की कंट्री और चाइना तक सोचो उस समय हम लोग कितने रिच कितना रिच रहा होगा इंडिया का कल्चर ठीक है बेटा अब आते हैं यूरोप यूरोप का मिडाइवल कल्चर मिडाइवल पीरियड ठीक है बेटा द डिक्लाइन ऑफ पावर ऑफ रोमन रिक्वायर इन द बिगेन ऑफ फिफ्थ सेंचुरी एडी मैनी प्लेसेस सम रीज़न पावर एमर्ड दीज स्मॉल रूलर्स ऑर्डर टू मैंटेन देयर पावर यूज़ टू पीस ऑफ लैंड इंस्टेंट ऑफ कैश सैलरीज ऑफिसर रिटर्न मिलिट्री द वर्ड feudalism कम्स from द लेटिन वर्ड feudum which means पीस ऑफ लैंड which इज़ ग्रांटेड इन द रिटर्न ऑफ सर्विसेज। बेटा यहाँ पे फ्यूडलिज्म को समझो थोड़ा सा उस समय क्या होता था ज़्यादातर है ना लोगों को ना है ना ऐसे रख दिया जाता था कि भाई आप इस जगह की इस जगह की इस जगह से टैक्स रेवन्यू कल, कलेक्ट कर कर दो और जब वो किंग उस समय का खुश हो जाता था, था तो वो वो जो टेरिटरी या फिर छोटा सा लैंड का टुकड़ा उसी को दे देता दे था आप रख लो तो फ्यूडलिज्म का मतलब होता है आप पीस आप पीस अ पीस ऑफ लैंड विच इज़ ग्रांटेड इन द रिटर्न ऑफ सर्विसेज ठीक है बेटा नाउ नेक्स्ट दे हैज दे लेड अ वेरी माइजरेबल लाइफ एंड नोट राइज देअर वॉइस अगेंस्ट दियर एट्रोसाइट्स कमिटेड ऑन देम ठीक है बेटा तो यूरोप का जो डिक्लाइन शुरू हो गया था यहाँ तक यूरोप में उतनी ज़्यादा दमखम नहीं बची थी ठीक है अब आता है राइज ऑफ अरब ठीक है बेटा पहले मैं आपको अरब दिखा दूँ अरब है कहाँ पर मैप में ठीक है बेटा तो बेटा ये हमारा प्यारा भारत ये हमारा प्यारा भारत ठीक है बेटा और यहाँ से आप देखो तो यहाँ पड़ता है आपका पाकिस्तान क्या पड़ता है बेटा पाकिस्तान ये पड़ता है पाकिस्तान फिर यहाँ पे थोड़ा और ऊपर जाओगे आप तो मिलेगा क्या आपको अफ़गानिस्तान ठीक है और ये है सऊदी अरब ठीक है तो ये जो कंट्री इस वाला एरिया है ये पूरा अरब कहलाता था ठीक है बेटा सऊदी अरब यमन इसराइल सीरिया इराक यहाँ से जो इन्वेंटर आते थे ऐसे यहाँ से ऊपर से घुसते थे बेटा ठीक है कश्मीर के रास्ते से यहाँ निकल निकल के आते थे तो ये अरब अरबी कहलाते थे ठीक है तो यहाँ से आने वाले अरबी कहलाएंगे अब हम इसको आगे पढ़ेंगे बेटा ठीक है बेटा राइज ऑफ अरब उस समय बेटा क्या हो गया था बेटा इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम धर्म लगभग स्टेबल कर दिया था प्रॉफिट मोहम्मद द रिलीजन इस्लाम दिस यूनाइटेड द अरब ट्राइब एंड सून बिकम पोलिटिकल पावर दे कंकायर कंकायर वेस्टर्न एशिया जॉर्डन सैरा इराक तर्किश परसिया इजिप्ट ये बेटा ये रीजन में आपको दिखा देता हूँ ठीक है ये बेटा ये आपका टर्की हो गया सीरिया हो गया परसिया जॉर्डन इराक ये आपको पूरा ये वाला एरिया है इसको बोलते थे अरब ठीक है बेटा इजिप्ट यहाँ पे ठीक है तो उस समय प्रॉफिट मोहम्मद ने सेवन सेंचुरी में जब इस्लाम आ, न, इस्लाम धर्म को स्प्रेड किया या फिर उन्होंने स्टेबलाइज किया नई और प्रॉफिट मोहम्मद प्रीज़ द रिलीजन ऑफ इस्लाम सो so, ग्रेडुअली द अरब्स कंकायर मोर टेरिटरी स्पेशली नॉर्थन अफ्रीका नॉर्थन अफ्रीका एंड स्पेन नॉर्थन अफ्रीका और स्पेन कहाँ पे बेटा नॉर्थन अफ्रीका ये हो गया आपका नॉर्थन अफ्रीका यहाँ हो गया ये ये आपका पूरा नॉर्थन अफ्रीका है स्पेन कहाँ पे मिलेगा आपको स्पेन यहाँ मिलेगा बेटा ठीक है ये स्पेन है आपका ठीक है ये नॉर्थन अफ्रीका और ये स्पेन ठीक है बेटा द अरब वर एक्सपर्ट ट्रेडर्स ट्राइफ पॉलिटिकल पावर developed trader tune with india europe and eastern countries and also uh, the uh, astronomical and mathematical knowledge uh, of india reached uh, in western country थ्रू द अरब्स पहले वो अभी हमने मैप पे समझा कि यहाँ इंडिया है, यहाँ से अरब यहाँ आए वो और यहाँ से उन्होंने क्या क्या सीखा बेटा एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज लिया और मैथमेटिकल नॉलेज लिया फिर जब ये वापस गए तो इन्होंने बेस्ट एरिया में स्प्रेड किया तो हमारा जो नॉलेज है वो किसके द्वारा गया बेटा अरब्स के द्वारा गया द अरब्स ऑल्सो कैरियड द न्यू इन्वेंसन ऑफ चाइना लाइक गन पाउडर क्या बेटा गन पाउडर पेपर कैंपास टू अदर कंट्री ऑफ यूरोप ठीक है बेटा ये था हमारा पूरा मिडाइबल पीरियड तो इससे इसमें हम निकल के क्या आता है बेटा टर्किस लोग टर्किस का जो इस पर्टिकुलर में टर्किस लोग अरबी लोग आए यहाँ पे इंडिया में आ रहे हैं वो ट्रेडिंग के लिए कुछ लोग रुक रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं यहाँ से हमारे पास मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन जा रहा है पर्टिकुलरली ये समझने की जरूरत यहाँ से एक चीज़ समझने की ज़रूरत है अगर आप है ना ट्रेवल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो आप नई नई इन्फॉर्मेशन इक्वायर कर पाएंगे ठीक है बेटा अब हमने यहाँ पे देखा बेटा पूरे चैप्टर में हमने देखा कि ना हमने दो मिडाइबल हिस्ट्री को दो पार्टों में बांटा गया अर्लीयर मिडाइबल इस समय हमारे पास मुगल और दिल्ली सल्तनत का इंडिया पर रूल्स था ठीक है बेटा ये हमारी पूरी हिस्ट्री हुई मिडाइबल ठीक है अब हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं बेटा तो मिडाइबल पीरियड इन इंडिया वेगेन इन एट सेंचुरी कब बेटा एट सेंचुरी ठीक है द चोल किंगडम ट्रेड रिलेशनशिप विथ साउथ एशिया साउथ एशिया हमने बेटा साउथ एशिया ठीक है कैंपस वाज इन्वाइटेड बाय चाइना ठीक है कैंपस वाज इन्वाइटेड बाय चाइना अब मैच मैच द फॉलोइंग देखते बेटा लेटर मिडाइवल पीरियड लेटर मिडाइवल पीरियड कहाँ कहाँ बेटा लेटर थर्टीन टू एटीन सेंचुरी चोल किंगडम चोल किंगडम से कौन संबंधित कौन रिलेटिव है बेटा हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट राजेंद्र फर्स्ट एंड इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर किसने किया था बेटा चाइना ने किया था बेटा और uh, शर्फ ये बिलोंग किस करता है बेटा लेबर से ठीक है बेटा और इसके क्वेश्चन आंसर के नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा जो आप अपनी कॉपी में लिख लें ठीक है बेटा थैंक यू